निर्देशक विशाल पंड्या ने एक फार्मूला बना लिया है जिस पर चलते हुए उन्हें हेट स्टोरी 2 और हेट स्टोरी 3 में सफलता भी मिली। वे फ्रंट बेंचर्स के मनोरंजन के लिए सिनेमा बनाते हैं। उनके किरदार करोड़ों की बातें करते हैं, 5-स्टार लाइफ स्टाइल जीते हैं, कहानी में अपराध के बीज होते हैं, थोड़ा सस्पेंस होता है, पुराने हिट गीतों और हॉट सीन का तड़का लगाकर फिल्म तैयार की जाती है। यही बातें उन्होंने अपनी ताजा फिल्म वजह तुम हो में भी दोहराई है। राहुल ओबेरॉय के ग्लोबल टाइम चैनल को किसी ने हैक कर एसीपी सर नाइक की हत्या का सीधा प्रसारण कर दिया। एसीपी कबीर देशमुख राहुल को ही अपराधी मानता है क्योंकि वह गिरती टीआरपी के लिए ऐसा कदम उठा सकता है। मामला अदालत पहुंचता है जहां राहुल की ओर से वकील सिया है तो पुलिस की ओर से रणवीर। संयोग से सिया का रणवीर बॉयफ्रेंड भी है। इसी बीच इस केस से जुड़े करण की भी हत्या कर दी जाती है और उसका भी सीधा प्रसारण किया जाता है। कबीर के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाती है। सर नाइक, करण और राहुल की कड़ियों को जोड़ते हुए वह उस शख्स को बेनकाब करता है जो यह सब कर रहा है और इसके पीछे उसकी वजह क्या है। फिल्म की कहानी ठीक है लेकिन खराब स्क्रीन प्ले, दिशाहीन निर्देशन और घटिया अभिनय ने पूरी फिल्म का कबाड़ा कर दिया। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि जरा सा दिमाग पर जोर डाला जाए तो फिल्म बताए उसके पहले ही आप राज जान सकते हैं। कई गलतियां स्क्रीन प्ले में छोड़ी गई हैं और सहूलियत के हिसाब से यह लिखा गया है। दर्शकों को चौंकाने की खूब कोशिश की गई है लेकिन फिल्म में नकलीपन इस कदर हावी है कि दर्शक इससे जुड़ नहीं पाते। विशाल पंड्या का निर्देशन कमजोर है। वे स्टाइलिंग और फिल्म के लुक पर ही ध्यान देते नजर आए। उन्होंने हर सीन को भव्य बनाने और किरदारों को महंगी ड्रेसेस में पेश करने में ही सारा जोर लगा दिया है। कहानी के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान न देने की वजह से कहीं भी फिल्म पर उनकी पकड़ नजर नहीं आती। बीच बीच में पुराने हिट गीत और हॉट सीन डालकर उन्होंने दर्शकों का ध्यान बटाने की कोशिश की है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जहां पर उनसे बड़ी चूक हुई है। मसलन राहुल को बीच सड़क से उठा लेने का सीन है लेकिन आसपास परिंदा भी नजर नहीं आता। दिन दहाड़े बीच शहर में ये कैसे संभव है। क्लाइमैक्स की फाइटिंग दयनीय है। एक तरफ फिल्म में चैनल हैकिंग जैसी आधुनिक तकनीक की बातें की गई हैं, तो दूसरी ओर राहुल के घर सिया इस्तीफा देने जाती है मानो ईमेल करना ही नहीं जानती हो। फिल्म के संवाद इतने भारी भरकम है कि उन्हें बोलने के लिए अमिताभ बच्चन, राजकुमार या सलमान खान जैसे दमदार स्टार चाहिए जिसका रुतबा या स्टार पावर हो। रजनीश दुग्गल, गुरमीत चौधरी या शर्मन जोशी जैसे पिद्दी स्टार जब इस तरह के संवाद बोलते हैं तो हंसी छूटती है। अभिनय डिपार्टमेंट में फिल्म कंगाल है। दिखने में सब मॉडल है लेकिन एक्टिंग के नाम पर जीरो। रजनीश दुग्गल और गुरमीत चौधरी ने ऐसी एक्टिंग की है मानो किसी ने सिर पर भारी पत्थर रख दिया हो। सना खान को तो पता ही नहीं अभिनय किस चिड़िया का नाम है। इन खरबूजों को देख शर्मन जोशी ने भी अपना रंग बदल दिया और वे भी एक्टिंग करना भूल गए। कुल मिलाकर वजह तुम हो को देखने की कोई वजह नजर नहीं आती। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 नंबर देता हूँ।